दोस्तों आपने देखा होगा कि बारिश में आपके कार के अंदर कुछ फंगस जमा हो जाता है, स्टेयरिंग के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर या फिर सीट के ऊपर। तो इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसे क्रिएट होने से कैसे रोक सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है मंदर, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिटेक यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों यहाँ पे फंगस क्रिएट होने का मेन कारण होता है अंदर मॉइस्चर का जमा होना, यानी जो बारिश के अंदर आप अगर ज्यादा दिन तक अपनी कार ओपन नहीं करते हैं, उसके डोर्स आप नहीं खोलते हैं, तो फिर अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ज्यादा क्रिएट होने लगता है और उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से जो फंगस क्रिएट होता है। तो फिर ये फंगस से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसे क्रिएट होने से कैसे रोक सकते हैं, आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे टिप नंबर वन है कि अगर आप अपनी जो कार है बारिश में ज्यादा नहीं चलाते हैं तो यहाँ पे 2 दिन में एक बार आप उसे उसके दरवाजे है वो खोल दीजिए, ताकि जो फ्रेश एयर है वो अंदर जा सके और उसका जो मॉइस्चर क्रिएट होकर है अंदर वो जमा ना होने दे। तो आप अपने 2 दिन में एक बार तो अपने कार्स के जो दरवाजे है उसे खोला कीजिए, जो फ्रेश एयर है उसे अंदर बाहर जाने का मौका दीजिए। तो यहाँ पे दूसरी टिप है, अपने कार में सिलिका जेल्स के पैकेट रखा कीजिए जो आपके दवाई के बॉटल्स में होते हैं, तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो सोख लेता है सिलिका जेल और क्रिएट नहीं होने देता एटमोस्फियर में, तो इसकी वजह से फंगस क्रिएट नहीं हो पाता है। आप अपने डैशबोर्ड के आगे रख सकते हैं, कुछ पीछे रख सकते हैं, अपने जो पीछे वाली लास्ट ट्रे होती है स्पीकर्स की उसमें रख सकते हैं, इसकी वजह से आपकी जो कार में वो फंगस नहीं क्रिएट होगा। अगर आपको मालूम नहीं है ये सिलिका जेल्स कहाँ मिलते हैं तो मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरी टिप है दोस्तों कि आप अपने गाड़ी का जो हीटर है वो कुछ देर ऑन रखिए। अगर आप कार 2 दिन में एक बार निकाल रहे हैं या फिर 3 दिन में एक बार निकाल रहे हैं, अगर ऑलरेडी फंगस क्रिएट हो गया है तो फिर जो जर्म्स होते हैं उसे किल करने के लिए आप अपने कार का जो हीटर है वो थोड़ी देर तक ऑन कीजिए। इसकी वजह से आपकी जो मॉइस्चर एयर है वो निकल जाएगी, वो हद तक कम हो जाएगी और जो ड्राई एयर है वो एंटर करेगी, तो इसकी वजह से फंगस क्रिएट होने का खतरा कम हो जाता है। तो ये करने से आपको फंगस की एलर्जी भी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे चौथी टिप है, अगर आपके पास कुछ टाइम है या फिर आप संडे के दिन आपको टाइम होता है तो फिर उस टाइम में आप अगर फंगस ऑलरेडी क्रिएट हो गया है तो उस फंगस को आप डेटॉल से या फिर किसी और अच्छे से एंटीसेप्टिक क्लीनर से उसे क्लीन करके लीजिए, वाइप करके लीजिए, ताकि जो जर्म्स वगैरह है वो क्रिएट फिर से हो ना पाए, आपकी जो कार की जो अंदर की एयर है वो हेल्दी रहे। यहाँ पे फिफ्थ टिप है, आपके कार में जरूर आप एयर फ्रेशनर रखिए, चाहे वो स्प्रे वाला क्यों ना हो वो भी रख सकते हैं, ताकि जो फंगस की जो स्मेल है वो बहुत गंदी आती है तो इसकी वजह से वो स्मेल है वो किल करने का काम करता है। एयर फ्रेशनर तो जरूर रखिए, इसमें आप स्प्रे वाले भी यूज कर सकते हैं या फिर जो जेल के फ्रेशनर आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आपको अगर कुछ खरीदना है एयर फ्रेशनर तो आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप 4-5 दिन में एक बार गाड़ी निकाल रहे हैं ऑलरेडी फंगस आपका क्रिएट हो गया है तो फिर हीटर के जरिए आप अपने जो ब्लोअर का ऊपर जो फंगस क्रिएट है वो भी आप किल कर सकेंगे, वो भी आप निकाल सकेंगे, ताकि जो अंदर के पार्ट्स है ब्लोअर वगैरह उसके ऊपर भी फंगस कुछ हद तक जमा हो जाता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है ब्लोअर, तो इसकी वजह से आपको स्मेल भी गंदी आएगी अगर आप एसी वगैरह चलाएंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हीटर कुछ आप उसे ऑन कर दीजिए ताकि वो फंगस है वो निकल पाए। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो आज का, तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे फंगस से छुटकारा पा सकते हैं, फंगस क्रिएट होने से कैसे रोक सकते हैं आपके कार में बारिश में, और जो स्मेल आता है उसे कैसे हटा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मॉनसून में आपकी कार की और बाइक की केयर कैसे करें तो इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया, आपको ये आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं उसमें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसी तरह आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहता हूँ।